9th से क्लास 10th में आ चुके हो और आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हो, तो चलो मैं आपको एक बात बताती हूँ एलजेब्रा एंड ज्योमेट्री के रिलेटेड। तो जो हमारा एलजेब्रा एंड ज्योमेट्री का जो पेपर होता है वो 60 मार्क्स का होता है विद ऑप्शन। यस, ध्यान से सुनो, मैंने विद ऑप्शन बताया है, ठीक है। लेकिन आपको सिर्फ 40 मार्क्स का अटेम्प्ट करना रहता है, यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारा एलजेब्रा एंड ज्योमेट्री का जो पेपर होता है वो 40 मार्क्स का होता है ईच विदाउट ऑप्शन। ओके, तो 40 मार्क्स एलजेब्रा, 40 मार्क्स ज्योमेट्री, प्लस 20 मार्क्स का आपका ओरल एग्जाम होगा एलजेब्रा एंड ज्योमेट्री का, जो स्कूल की तरफ से लिया जाएगा। ओके, तो अभी मैं आपको एक बात बताती हूँ कि ओरल एग्जाम में अगर आपको 20 में से 20 लाना है तो आपको क्या करना है, आपके जो एलजेब्रा एंड ज्योमेट्री के जो टीचर्स होंगे ना, उनके सामने आपको थोड़ा अच्छा बच्चा बनके रहना है, यानी कि आपको जमा के रखनी है अपने टीचर्स के साथ। जब भी आपको टीचर्स बोलते हैं कि एलजेब्रा एंड ज्योमेट्री का बुक मुझे कंप्लीट चाहिए इस डेट को, तो उस डेट को आप कंप्लीट करके लेके जाओ, थोड़ा सा अच्छे से रहो, डिसेंट रहो, तो आपको ओरल में 20 में से 20 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस चैनल पे आपको एलजेब्रा एंड ज्योमेट्री के सारे चैप्टर्स के प्रैक्टिस सेट के एंड प्रॉब्लम सेट के वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है, चेकआउट कर लेना। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय एंड टेक केयर।